हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले मोस्ट एंटिसिपेटेड डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज, हम जानेंगे कि कल का जो AEW के ऑल इन पेपरव्यू के पहले का आखिरी डायनामाइट शो होने वाला है, उस शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। पर गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में AEW से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं जो मुझे पता नहीं कि मैं ऑल इन पेपरव्यू तक अपने वीडियोस के अंदर कवर कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए अगर आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल की वेबसाइट AEWhindi.com को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि सच में AEW से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। पर जहां तक बात है कल के डायनामाइट शो की, तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो पर जंगल बॉय जैक पेरी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटायर करते हुए दिखाई देने वाले है। इसीलिए गाइस, यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब FTW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एक महीने के अंदर ही जब जंगल बॉय जैक पेरी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटायर करते हैं, तो इसके बाद वो अगले कौन से चैंपियनशिप के लिए जाते हैं और क्या वो सच में यहां पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटायर भी करने वाले है या नहीं। पर इसके साथ ही जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और एयर फॉक्स एक टैग टीम मैच के अंदर डार्बी एलन और निक वेन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइस, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड और एयर फॉक्स और डार्बी एलन और निक वेन, इन दोनों के बीच में काफी बड़ी राइवलरी चल रही है, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे के घर के अंदर तक घुसकर एक दूसरे पर अटैक किया है, जिस सब के बाद हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और एयर फॉक्स डार्बी एलन और निक वेन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है, जहां पर प्रोबेबली निक वेन का डार्बी एलन के साथ फिर एक बार एक टैग टीम मैच होने वाला है। इसलिए यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि फिर एक बार निक वेन और डार्बी एलन साथ में मिलकर कितना कमाल कर पाते हैं। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहां पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और एयर फॉक्स से मैच जीतने वाले है। और यहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर निक वेन क्या करते है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर रेने पिकेट एडम कोल के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि एडम कोल ऑल इन पेपरव्यू से पहले अपने इस इंटरव्यू के अंदर क्या कहते हैं। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच के अंदर रूबी सोहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइज, हम देख रहे हैं कि स्काई ब्लू और रूबी सोहो, इन दोनों के बीच में काफी बढ़िया राइवलरी चल रही है, जहां पर ये दोनों सुपरस्टार्स विंस एक्सचेंज कर रहे हैं। पर रूबी सोहो फिर एक बार आउटकास्ट की ऐसी सुपरस्टार है जो कि ऑल इन शो पर परफॉर्म नहीं करने वाली, इसलिए शायद उन्हें इस वीक के डायनामाइट शो पर ये मैच मिला है। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर स्काई ब्लू और रूबी सोहो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहां पर रूबी सोहो ही ये मैच जीतने वाली है। और देखने के लिए मजा आएगा कि आउटकास्ट इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या करता है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर रेने पिकेट फ्रेक बार MJF के साथ अलग से एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि एडम कोल के साथ साथ MJF भी इस वीक के डायनामाइट शो पर रेने पिकेट के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए क्या बातें कहते हैं। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली एक 1-on-1 मैच के अंदर ड्रेक फिनिक्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज, हम देख रहे हैं कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स एडी किंगस्टन और लूचा ब्रोस, इस राइवलरी के अंदर जॉन मॉक्सली और रे फिनिक्स एक दूसरे से काफी ज्यादा गुस्सा है, और आज तक इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के खिलाफ कोई मैच नहीं दिया। शायद इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई देने वाले है, जहां पर मुझे भी देखना है कि जॉन मॉक्सली रे फिनिक्स जिस सुपरस्टार के खिलाफ किस तरीके से रेसल करते हैं, क्योंकि रे फिनिक्स जॉन मॉक्सली की रेसलिंग स्टाइल से अपोजिट एक काफी बड़े हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है और फिनिक्स के लिए भी एक काफी बड़ा मैच है। लेकिन इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर जॉन मॉक्सली ही ये मैच जीतने वाले हैं। और क्या पता इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली रे फिनिक्स को काफी बुरी तरीके से इंजोर कर दे, जिसके पीछे का मेन रीजन क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर यंग बक्स और FTR एक दूसरे के साथ एक फेस टू फेस इंटरव्यू करते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, फिर एक बार इस वीक के
डायनामाइट शो पर FTR और यंग बक्स एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि अपने इस इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स और FTR क्या कहते हैं, क्योंकि अब आखिरकार ये दोनों ही टीम्स ऑल इन पेपरव्यू पर एक दूसरे के खिलाफ जाने वाली है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि मैं इस वीक के डायनामाइट शो पर द इलीट यानी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन और द गन्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है, जहां पर मैं फिर एक बार द इलीट साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार डायनामाइट शो पर द इलीट एक साथ आकर गन क्लब और जूस रॉबिन्सन के खिलाफ जाती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और क्या द गन्स द इलीट के सामने टिक पाते हैं या नहीं। लेकिन इस सबके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर द इलीट ही मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के बाद द इलीट के साथ क्या होता है। पर इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि मैं इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको विल ऑस्प्रे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर इतनों सुपरस्टार्स ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ऑल इन पेपरव्यू के लिए अपना मैच कन्फर्म करने वाले हैं, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि क्रिस जेरिको और विल ऑस्प्रे इन दोनों की इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर क्या होता है। क्योंकि गाइस हम सबको पता है कि किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आखिरकार फिजिकल ब्रुटैलिटी के अंदर ही खत्म होती है। पर इसके बाद जो अगली और आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि मैं इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑजी ओपन हमें अपने ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स द हार्डी बॉयज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर फिर एक बार हार्डीज किसी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर हार्डीज की परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या फिर एक बार द हार्डीज अपने प्राइम की टैग टीम यानी कि ऑजी ओपन के सामने टिक पाते हैं या नहीं। और ऑजी ओपन के लिए तो ये ड्रीम मैच है क्योंकि वो हार्डीज को फेस कर रहे हैं। लेकिन इस सबके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑजी ओपन ये मैच जीतने वाले हैं और वो स्टिल लेने वाले हैं ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। लेकिन इस सब के अलावा अगर कल के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा। तो कल के डायनामाइट शो की वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?